हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज की वीडियो में एक शैम्पू का रिव्यू करने वाली हूँ। और जो शैम्पू है वो है ये बायोटिक एडवांस्ड आयुर्वेदा बायो ग्रीन एप्पल शैम्पू एंड कंडीशनर। ये ऑयली स्कैल्प और हेयर वालों के लिए है, और क्योंकि बायोटिक का प्रोडक्ट है तो 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। कोई भी केमिकल, हार्मफुल केमिकल वगैरह इसमें यूज़ नहीं किए गए हैं। 100% बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट इसमें यूज़ किए गए हैं। तो अगर आप भी कोई केमिकल फ्री शैम्पू यूज़ करना पसंद करते हैं या आपका ऑयली स्कैल्प है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो इसकी पैकेजिंग की बात करूं तो ऐसे बॉटल में आता है, बहुत सारे साइजेस में अवेलेबल है। शायद इसके 4 से 5 साइजेस आते हैं, जो भी है वो आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। और ये सबसे बड़ा साइज़ है इसका, जो कि 340 ml का है। बहुत अच्छे डिस्काउंट के साथ आपको ये ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएगा। ऑनलाइन आपको नायका पे, पर्पल पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे ईजिली अवेलेबल है, और ऑफलाइन भी बहुत ज़्यादा ईजिली आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता है। ये जो शैम्पू है ऐसे इंग्रेडिएंट से मिलके बना हुआ है, जो बालों को बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं, बाल स्कैल्प का पीएच लेवल मेंटेन करके रखते हैं, साथ ही बालों को शाइनी बनाते हैं, सिल्की बनाते हैं। करते हैं शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स की, तो ये शैम्पू ऐसे ऐसे चीज़ों से मिलके बना हुआ है जो बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि ग्रीन एप्पल, इसका जो की इंग्रेडिएंट है वो ग्रीन एप्पल है, और ग्रीन एप्पल में ऐसे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को शाइनी बनाने में हेल्प करते हैं, सिल्की बनाते हैं। फिर इसमें यूज़ किया गया है आमंड, तो आमंड में होता है विटामिन ई और मैग्नीशियम, जो कि बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें यूज़ किया गया है एलोवेरा जेल, तो एलोवेरा जेल तो बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। जितने भी हेयर केयर प्रोडक्ट होते हैं एलोवेरा जेल उसमें यूज़ किया ही जाता है। बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और हाइड्रेट करता है। इसमें यूज़ किया गया है रीठा, तो रीठा बालों को और आपके स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, क्योंकि जितने भी हर्बल शैम्पू मार्केट में अवेलेबल है सब में रीठा होता ही होता है, क्योंकि रीठा बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये शैम्पू क्लेम करता है कि आपके बालों को बहुत अच्छे से क्लीन करेगा, बालों की बालों को हेल्दी बनाएगा, बालों को सिल्की बनाएगा, शाइनी बनाएगा, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये सारे क्लेम ये प्रोडक्ट करता है। ये जो शैम्पू है ये 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, कोई भी इसमें प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। साथ ही साथ एक क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट भी है। और ये जो शैम्पू है आप इसको 3 साल तक यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे इसकी सेल्फ लाइफ भी है। अब जिनका ऑयली स्कैल्प है, हेयर है, उनके लिए तो बहुत अच्छा शैम्पू है, पर जिनके उतने ऑयली हेयर नहीं है या फिर ड्राई हेयर हैं तो उनके लिए कैसा काम करता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि मेरे जो हेयर हैं बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है, तो जब मैंने इसको यूज़ किया विदाउट ऑयलिंग, तो इसने मेरे बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई कर दिया, बहुत ही ज़्यादा ड्राई कर दिया। बहुत अच्छे से क्लीन किया पर ड्राई बहुत ज़्यादा कर देता है। तो इसलिए अगर आपके बहुत ज़्यादा ऑयली बाल नहीं है तो आप इसको एक अच्छी ऑयलिंग के बाद यूज़ करें, और इसके बाद आपको एक अच्छा कंडीशनर यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिनके ड्राई बाल हैं वो इसको यूज़ ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि आपके बाल को बहुत ज़्यादा ड्राई बना देगा। क्योंकि मेरे तो इतने ड्राई नहीं है बाल, तब भी इसने बहुत ज़्यादा ही ड्राई कर दिया था। पर जब आप एक अच्छा कंडीशनर यूज़ करेंगे तो फिर आपके बाल ठीक ठाक हो जाएंगे, बहुत अच्छे से क्लीन करेगा, आपको बहुत फ्रेश फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छे से मेरे बाल क्लीन हो गए हैं। पर बस इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये बालों को ड्राई बना देता है। जिनके एक्सट्रीम ऑयली है स्कैल्प है या हेयर है उनके लिए तो ये कमाल का काम करेगा। तो बिल्कुल जिनके ऑयली स्कैल्प हेयर है वो इसको ज़रूर एक बार ट्राई करें। परचेसिंग लिंक मैं इस प्रोडक्ट की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। और आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी मैं अपने वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।